दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली। शनिवार देर शाम दिल्ली और उसके आसपास कुछ जगहों पर हुई बारिश के बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। राजधानी की आईजीओ में AQI सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यहां पर प्रदूषण का स्तर 486 रहा। वहीं आनंद विहार इलाके में जहां AQI 478 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दिल्ली के दूसरे इलाके में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। वहीं बढ़े हुए प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टर्स बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दे रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। वहीं बढ़े हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। प्रदूषण के चलते नोएडा के स्कूल 4 और 5 नवंबर को बंद रहेंगे। यह आदेश गौतम बुद्ध नगर के DM ने दिए हैं। दिल्ली NCR के साथ साथ प्रदूषण का असर यूपी की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में भी नजर आ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के सटे शहर बाराबंकी में प्रदूषण का स्तर नजर आया। यहां स्मॉग की चादर के साथ कई जगहों पर कूड़ा जलाने की तस्वीरें भी सामने आई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बावजूद हरियाणा में लगातार पराली जलाने की तस्वीरें सामने आ रही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ही अब पराली जलाने के 600 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश सरकार पहले भी पराली जलाने पर जुर्माना लगा रही है, जबकि कृषि विभाग के अधिकारी पराली में आग लगाने के मामले को रोकथाम को लेकर कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी राज्य में सरकार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। संजय रावत ने एक बार फिर साफ किया है कि उनकी बात सिर्फ PM पद को लेकर होगी, बाकी किसी मंत्रालय को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही रावत ने यह दावा किया है कि शिवसेना खुद भी सरकार बनाने में सक्षम है और उसके पास बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र में NCP ने शिवसेना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। NCP की तरफ से बयान आया है कि अगर शिवसेना अपना स्टैंड साफ करती है तो सरकार बनाने को लेकर बात हो सकती है। वहीं NCP की तरफ से कहा गया है कि शिवसेना ने 5 सालों तक BJP के साथ अपमान झेला है और CM उनका ही होना चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी सस्पेंस के बीच ऑल इंडिया मजिल ए इतिहाबुद्दिल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असुबुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की सियासत पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि उद्धव ठाकरे 2 घड़ों पर सवारी करना चाहते हैं। साथ ही कहा है कि वो जनता को मूर्ख ना बनाए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसा लगता है कि मानो उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से घबरा गए हैं। पीएम मोदी के 3 दिनों के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं बैंकॉक में 16वें आसियान भारत समिट के पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से समर्थन आसियान भारत के लिए काफी फायदेमंद है। पीएम मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के साथ दृष्टिकोण को भी सामने रखा है। साथ ही दावा किया कि बहुत जल्द ही ये सपना सच हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा समय है। देश ने नियमित और नौकरशाही वाली शैली में काम करना बंद कर दिया और कारोबार के लिहाज से भारत में अब कई अवसर और सुविधाएं हैं। अरब सागर में बने शक्तिशाली तूफान महा की देश के कई राज्यों में असर देखने को मिला है। अरब सागर की तरफ से लगातार आ रही नमी से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार सहित अन्य राज्यों में बादल छा गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात और अंडमान निकोबार में भारी बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। दिल्ली के 30,000 कोच में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प का एक नया CCTV फुटेज सामने आया है। वकीलों का ग्रुप 30,000 कोच के लॉकअप के अंदर घुसा था और पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पिटाई की। लॉकअप में इस दौरान दर्जनों कैदी बंद थे जो कोच में PC के लिए आए हुए थे। इस मारपीट के बाद वकीलों ने लॉकअप के बाहर आग लगा दी।
दिल्ली की 30,000 अदालत में हुई हिंसा की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसी बीच 30,000 कोर्ट में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग के खिलाफ 4 नवंबर को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज ठप रखने का फैसला किया गया है। कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प में एडिशनल डीसीपी चोटिल हो गए हैं। वहीं हिंसक झड़प को सीएम अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है। अयोध्या विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी परिस्थिति में अयोध्या मामले में जो भी फैसला आएगा उस पर शांति बनाए रखेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। बैठक में अयोध्या मामले पर जो भी फैसला सामने आएगा उसमें पैदा होने वाले परेशानियों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फैसला आने वाला है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाए, क्योंकि राम मंदिर पर फैसला जल्द ही आ सकता है। यूपीपीसीएल में पीएफ घोटाला मामले में सीएम योगी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई की जांच से पहले डीजीईओ को जांच कराने का आदेश दिया गया है। करीब 2631 करोड़ रुपए के पीएफ को डीएचएफएल में जमा कर दिया गया था और बिजली कर्मियों के पीएफ को निजी कंपनी में लगाने का भी फैसला किया गया है। 2014 में अखिलेश सरकार के दौरान किए गए इस फैसले में हुई घोटाले की जाँच लगातार की जा रही है। बिजली कर्मचारियों के पीएफ घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें प्रियंका गांधी ने घोटाले को लेकर योगी सरकार का घेराव भी किया है। शाहजहांपुर जन्मानंद छात्रा यौन शोषण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अब एसआईटी ने बीजेपी नेता और जिला सरकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर से पूछताछ की है और वहीं बीती रात डीपीएस राठौर ने घर पर भी छापा मारा है। इस दौरान एसआईटी ने डीपीएस राठौर का लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया। बाराबंकी में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृतक महिला के लड़के ने ही जमीन के लालच में अपनी मां की हत्या कर दी। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी बड़े बेटे को जमीन देने से नाराज थे और बीती 22 अक्टूबर को उसने हत्या करके शव नहर में फेंक दिया। बहराइच के मोतीपुर थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान एक 20 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लड़के के परिजनों का आरोप है कि इलाके का ही एक लड़का लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। वहीं पुलिस पर भी मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हरिद्वार जिले के पंजनहेड़ी और कनखल में हाथी ने जमकर तांडव मचाया। पंजनहेड़ी में हाथी ने हमला कर एक बुजुर्ग को पटक पटक कर मार डाला। वहीं जियापोता में हमला कर एक महिला को गंभीर घायल कर दिया, जिसके अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हाथी का रेस्क्यू करने पहुंचे वन विभाग के डीएफओ और उनके साथियों को बंधक बना लिया। मौके पर दो विभागों के अलावा पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर वन विभाग की टीम को मुक्त कराया। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम इलाके में बम विस्फोट का मामला सामने आया है। पूरी घटना नगर थाना इलाके के मोची टोला के मौजूद एक मस्जिद की है। वहीं धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि धमाके में एक शख्स घायल हो गया है। बिहार के समस्तीपुर में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। समस्तीपुर के हसनपुर में छठ पर्व के दौरान तालाब में मंदिर की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य लगातार किए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सीताराम
थाना इलाके में शराब के नशे में धुत एसएसआई ने एक घर में घुसकर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी। इस पर नाराज लड़कों के घर वालों और बस्ती के लोगों ने आरोपी एसएसआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस पूरी घटना का वही मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की इस्तीफे की मांग को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने जा रहा है। इमरान खान प्रदर्शनकारियों से इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने गृह मंत्रालय को प्रदर्शनकारियों से किसी भी तरह निपटने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान ने डॉन न्यूज से बात करते हुए इस खबर के मुताबिक उन्होंने ये आदेश दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी संवेदनशील रेड जोन की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। चीन की 3 सरकारी दूरसंचार कंपनियों ने यहां के 50 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। चीन का अगला लक्ष्य अमेरिका और पश्चिमी देशों को पछाड़ते हुए अगली पीढ़ी को दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का वैश्विक नेतृत्व करना है। चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम, चाइना टेलीकॉम कंपनियों ने बीजिंग, संघाई समेत 50 शहरों में सेवाएं शुरू कर दी है। 5G इंटरनेट पैक के लिए इस महीने में 128 युआन यानी 1290 रुपए चुकाने होंगे। भारत की पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों ने कड़ी मेहनत के बाद अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए 2 चरणों के ओलंपिक क्वालिफायर मैचों में भारत की महिला टीम ने अमेरिका को और पुरुष टीम ने रूस को एग्रीगेट स्कोर के दम पर मात देकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच खेलने के लिए विराट कोहली ने सिर्फ 3 सेकंड में हां कर दिया था। गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के एक हफ्ते के अंदर बीसीसीआई में बदलाव करने को सफल लगातार कर रहे हैं। फिल्म सुपर 30 में बिहार के आनंद कुमार का किरदार निभा चुके बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने अपने फैंस को छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं दी है। ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर किया है। छठ पर्व को जानने और देखने के लिए समुन्द्र तट पर पहुंच गए थे जहां उन्हें लोगों से काफी प्यार भी मिला और लोगों का काफी हुजूम भी उमड़ पड़ा था। अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीतने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जन्मदिन के खास मौके पर शाहरुख ने फैंस सहित कई फिल्मी सितारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर उनका नाम लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई।